दंतेवाड़ा में भाजपा के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की बघेल सरकार पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि आदिवासियों की 32% आरक्षण पर कांग्रेस सरकार की नाकामी के गंभीर दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा सरकार आदिवासियों के कल्याण और उत्थान का विरोध करेगी। उन्होंने जल्द ही कार्रवाई की मांग की और कहा कि सरकार को आदिवासियों के विरोध और भाजपा के चक्का जाम घिरावों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के बाद जिस तरीके से हमारे आदिवासी समाज पे लगातार एक पे एक कुठाराघात कर रही है, उसको लेकर के हमारा आदिवासी समाज आंदोलनरत है। हमारे समाज के साथ में उनके आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से इस सरकार ने उसका डिपेंड नहीं कर पाई और हाईकोर्ट से जो फैसला आया है 19 सितंबर को, वो हम सबके लिए दुर्भाग्य का विषय है।